बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पर कि हमने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है, सिर्फ और सिर्फ हम पंखे चलाना चाहते हैं, इन्वर्टर भी नहीं खरीदना चाहते हैं, हमें गाइड करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप एसीडीसी फ़ैन चलाना चाहते हैं अपने घर में सारा दिन फ्री, आप किस तरह चला सकते हैं। वीडियो मुकम्मल वाच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो भी लाइक कर दें, सबसे बेस्ट है अभी से लाइक कर दें। वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए, आमीन। आपने एक सोलर पैनल ख़रीदना है 180 वाट का, 220 वाट का, 250 वाट का, बेशुमार कंपनीज के ये जो छोटे सोलर पैनल्स हैं मार्केट में दस्तयाब है। 180 वाट का जो है मार्केट में मिल जाएगा 11,500 रुपए से लेकर 12,500 रुपए की रेंज में। अगर आप इससे बड़ा सोलर पैनल ख़रीदेंगे 220 या 250 वाट का, वो हो सकता है आपको 16,000 रुपए में मिल जाए, 17,000 रुपए में मिल जाए। एक सोलर पैनल आपने ख़रीद लिया, छोटा सोलर पैनल ख़रीदना है। जो बड़े सोलर पैनल होते हैं उनके साथ फिर MPPT लगाना पड़ता है, इन्वर्टर लगाना पड़ता है, पंखा आप डायरेक्ट नहीं चला सकते। ये जो छोटे सोलर पैनल्स होते हैं ये 12 वोल्ट पे होते हैं, इसके साथ आपने डायरेक्ट DC वायर लगानी है। आपके घर में जो AC DC फ़ैन पड़ा है या आपने ख़रीदा है, खुर्शीद कंपनी का, इंडस कंपनी का, पाक फ़ैन, एशिया फ़ैन, GFC फ़ैन, किसी भी कंपनी का आप AC DC फ़ैन ख़रीद लें, मार्केट में आपको मिल जाएगा 8,000 से लेकर 10,000 रुपये में। हम 10,000 ये खर्चा शामिल कर लेते हैं AC DC फ़ैन का। ज़्यादा तो घरों में RAD ये पंखे लगे हुए हैं, अगर आपके घर में ये पंखा नहीं है तो फ़ौरन से पहले ख़रीद लें। ये सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट चल सकता है, बैटरी के ऊपर डायरेक्ट चल सकता है, और वापटा के ऊपर तो ये पंखे चलते ही चलते हैं, कोई मसला नहीं होगा। हमने एक पंखे का ख़र्चा भी अपने टोटल में शामिल कर लिया 9,000। एक छोटा सोलर पैनल जो हमने लिया था 12,500 वो शामिल किया है। DC वायर, अगर आपका डबल मंजिल भी घर है तो आपने DC वायर ख़रीदनी है। छत के ऊपर से दो जो पॉइंट रहते हैं प्लस मनफी सोलर पैनल के अंदर लगाएं। पंखा जो आप ख़रीदेंगे AC DC, इसके ऊपर भी दो पॉइंट होते हैं, DC कनेक्शन और AC कनेक्शन। DC कनेक्शन में आपने ये वायर लगा देनी है, पंखा चलेगा पूरा दिन सूरज की रोशनी में फ्री चलेगा, वापटा का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये पंखा वापटा के ऊपर भी चलाना चाहते हैं, आपने दूसरा जो पॉइंट है, पहले आपके घर में बिजली की वायरिंग हुई हुई है, आपने वो वाली वायर इस पंखे का जो AC कनेक्शन रहता है वहाँ से कनेक्ट कर लेना है। रात आप वापटा के ऊपर चलाएं, दिन में आप अल्लाह पाक ने जो हमें सूरज दिया है इसकी रोशनी से आप फ़ायदा उठाएं। 3,000 की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा DC वायर पर खर्चा हो जाएगा। 12,500 रुपये का एक छोटा सोलर पैनल 180 वाट का, 3,000 की वायर, 9,000 का AC DC पंखा। आप किसी कंपनी का ख़रीद लें, यह नहीं है कि आपने इंडस फ़ैन ख़रीदना है, आपको जो अच्छी कंपनी लगे। अगर आप पंखों के ताज़ा तरीन रेट्स जानना चाहते हैं या कौन सी कंपनी आपको पंखे की ज़्यादा वारंटी फ्राहम कर रही है, हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है, इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, आपने वो वॉच ज़रूर करनी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। बाकी इलेक्ट्रीशियन का खर्चा 1,000 वो आपसे ले लेगा, अगर आप खुद फिटिंग कर लें तो कोई इसमें साइंस नहीं है, सादा सादा कनेक्शन रहता है। हम 1,000 इलेक्ट्रीशियन का खर्चा भी शामिल कर लेते हैं, 25,500 आपका ये खर्चा होगा, आपका एक पंखा पूरा दिन फ्री चलेगा। कुछ इलेक्ट्रीशियन जो दोस्त अहबाब आपको डराएंगे कि ये पंखा आपका जल जाएगा, सोलर पैनल के साथ सोलर कंट्रोलर ज़रूरी है, मार्केट में 2,000 से लेकर 2,500 रुपए में छोटे कंट्रोलर मिल जाते हैं PWM। आप कोई सा भी सोलर कंट्रोलर ख़रीद रहे हैं, वो जो करंट होगा सोलर प्लेट का जितना पंखे को ज़रूरत होगा उसको फराम करेगा, बाकी जो करंट होगा वेस्ट कर देगा, क्योंकि हमने इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की। अगर आप बैटरी अटैच करेंगे तो फिर खर्चा लंबा हो जाएगा। दोस्त हमें बोलते हैं कि हमने सस्ते सोलर पैनल से हवा लेनी है, तो भाई आप सस्ते सोलर पैनल फिर ये घर में लगा लें, आपका एक पंखा चल जाएगा। अगर आपके दो पंखे हैं आप दो छोटे सोलर पैनल की प्लेट ख़रीद लें, अगर आपके तीन पंखे हैं आप तीन छोटे सोलर पैनल्स की प्लेट ख़रीद लें। अगर आप बड़ा सोलर पैनल ख़रीदेंगे उसके साथ आपको MPPT चार्जर कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है, आप थोड़े खर्चे में अच्छा मज़ा लेना चाहते हैं या ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हम कोई आपका खर्चा नहीं कराएंगे, चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।